क्योंकि कृष्ण सरकार का आदेश है तो उसी क्रम में हम आपके सामने थोड़ी देर के लिए खड़े हैं, आप एक घंटे 15-20 मिनट तक चले जाएंगे। जैसा अभी सद्यालोक सौरभ जैसा बताया 513 बताना है तो हम कुछ बहुत ज्यादा जानते नहीं है, बट फिर भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग खत्म हो गया, सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में पहला पॉइंट जो समझने वाला है वो ये इंट्रैक्शन इन स्कूल फर्स्ट ईयर में भी था और सेकंड ईयर में भी था। लिखना हम लिख सकते हैं इंट्रैक्शन विद्यालय में अंतःक्रिया के तहत, विद्यालय में अंतःक्रिया के तहत दो बिंदु थे, लिख ले सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास है ये जो है फोटो सबके व्यास के पास है, ये डाल देंगे। विद्यालय में अंतःक्रिया के तहत फर्स्ट सेमेस्टर में दो पॉइंट था, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज और वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज। जो भी मैं बता रहा हूँ 99% सभी लोग जानते हैं सब कुछ, औपचारिकता के तहत हम आपके सामने चूंकि आदेश है तो हम खड़े हैं। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज और वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज दो पॉइंट थे जो फर्स्ट ईयर में जो हो चुके हैं। बताने के पीछे का कारण क्या है, इंट्रैक्शन इन स्कूल सेकेंड ईयर में भी है परंतु स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज सेकेंड ईयर में नहीं है। और दूसरा है टीचिंग प्रैक्टिस। फर्स्ट ईयर में जो विद्यालय में अंतर्क्रिया थी वह 200 नंबर का था जो विद्यालय से गया था, 100 नंबर का स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज और 100 नंबर का वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज, विद्यालय आधारित गतिविधि और कार्यशाला आधारित गतिविधि। परंतु सेकेंड ईयर में जो है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज सेकेंड ईयर में नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज और वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज थी, सेकेंड ईयर में वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज और प्रैक्टिस टीचिंग है। ये जो है मार्किंग जा चुकी है, इस बार का जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा उसमें से आ जाएगा। ये नोडल अधिकारी जो हमारे प्राचार्य हैं उनके थ्रू दिया जाना था, 200 नंबर ये जा चुका है, फर्स्ट ईयर का चढ़ चुका है पोर्टल पे। सेकेंड ईयर का वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज जो है 100 नंबर का है, प्रैक्टिस टीचिंग 200 नंबर का है, एक साथ अपलोड होगा सिस्टम पे, 300 नंबर एक साथ इसका सॉफ्टवेयर आ चुका है, आपको सर बता देंगे ये अपलोड होगा। प्लस 4 असाइनमेंट बनाए हैं हम लोग, 3-4 बनाए हैं, सॉरी 120, ये 420 नंबर एक साथ एक बच्चे का अपलोड होगा, 100 बच्चों का सॉफ्टवेयर आ चुका है, आपके सर आपको बता देंगे, जिसमें ये जो है ये 4 है पार्ट में बटा हुआ है, कैसे अपलोड होगा ये भी देख लेने की जरूरत है। ये 30 नंबर का जो हम लोग असाइनमेंट बनाया है वो है 4, उसमें 8-9 में कोई 8 बनाया होगा, कोई 9 बनाया होगा, डजंट मैटर। ये 30-30 का 4 साइट है, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि हम लोगों को अपना अपनी तैयारी करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ये भी 30 का है, यहाँ एक ही, इन दोनों में एक ही भरा जाएगा, जो 4 लिखा होगा 9 लिखा होगा 9 और जो 10 लिखा होगा 10 का जो आया है। और ये हाँ, और ये WBA एक्टिविटीज़ का है 100 नंबर का, एक साथ अपलोड होगा, और ये 200 नंबर का, बताने के पीछे का रीज़न ये है, ये 420 नंबर एक साथ हम लोगों का अपलोड होगा। अभी हम लोग का जो पेपर है वो 4 पेपर हम लोग को देना है, 7×28 280 नंबर, थ्योरेटिकल रिटन एग्जामिनेशन जो है उसके तहत हमको मिलने हैं 280 नंबर, लीला खत्म, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
बट अभी विद्यालय में जहाँ हम लोग बैठे हैं ये हमको देगा अभी 420 नंबर। तो बिना कहे जो चीज़ें समझने लायक हम लोग समझ ही रहे होंगे 420 नंबर। बाकी हमारे मुखिया ही हैं जो मार्गदर्शक, यही देंगे कहने, अरे राम राम, यही देंगे 420 नंबर जो हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं। हम आज आए हैं कैमरे में कैद है लेकिन हमारा एब्सेंट, सॉरी हमारा प्रेजेंट चढ़ा है, सॉरी कैमरे में है तो थोड़ा, सो 7 × 2 = 280 और 420 नंबर। तो ये एक मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन था जो हमने बताने की कोशिश की। समझना ये है कि SBA हमको भी अभी तक जैसे हम भी देख रहे थे लेकिन अभी सुबह सर लोगों से बात हुई तो पता चला सेकंड ईयर में SBA है ही नहीं, सेकंड ईयर में WBA और प्रैक्टिस टीचिंग है। सेकंड ईयर में 300 नंबर है, 100 नंबर, 200 नंबर, 300 प्लस 120, ये 120 जो है वो प्रैक्टिकल का है, 420 मार्क्स। ये एक मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। SBA WBA हम लोग फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं जिससे अपने को अब कोई लेना देना नहीं है, पता होना चाहिए कि किस तरीके से कैसे ओरिजिनल गाइडलाइन में क्या था, हुआ क्या, किए क्या, वो दूसरा पहलू है लेकिन गाइडलाइन में क्या ये पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में WBA और प्रैक्टिस टीचिंग पे हम लोग आ रहे हैं जिसमें अब हम ये 513 सर बताइएगा व्यास सर पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं, है क्या इंट्रैक्शन इन स्कूल के तहत है, विद्यालय में अंतर क्रिया के तहत ये दोनों बिंदु हैं, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज जो फर्स्ट ईयर में था, और इस इंट्रैक्शन इन स्कूल विद्यालय में अंतर क्रिया के तहत दो पॉइंट है, WBA और प्रैक्टिस टीचिंग। प्रैक्टिस टीचिंग में लेसन प्लान बनाना है और WBA और स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज में जो बेसिक अंतर है वो ये, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज हम लोगों ने स्कूल में समय समय पे की है वो उसका हम लोगों ने बनाया है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, टीचर एसोसिएशन जो स्कूलों में होता है किस तरीके से कोई एनुअल फंक्शन कराते हैं उसका डेटा हम लोगों ने सबमिट किया है। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज में उसका डिमॉन्स्ट्रेशन था, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब बताना था कि किस तरीके से हमने किया है जो कि हो चुका है सक्सेसफुली। WBA में हम लोगों का जो है वो प्रैक्टिस टीचिंग में जो लेसन प्लान हम लोग बना रहे हैं उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है, कि जो प्रैक्टिस टीचिंग में हम लोग लेसन प्लान बना रहे हैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना है WBA में, क्या चीज कैसे बनी है। और भी कुछ चीजें हैं जो अभी हम जो गाइडलाइन है जो अभी सर ने दी है प्रिंसिपल सर ने उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो पैरामीटर समझ में आ गया होगा कि अपने अपना सेकंड ईयर में SBA नहीं है, WBA और प्रैक्टिस टीचिंग है, ये एक पैरामीटर था समझने वाला। टोटल हम लोग का 1400 मार्क्स का पेपर है, ये तो सबको पता ही है, 700 700, इसमें 700 का 420 नंबर अभी जहां बैठे हैं उस विद्यालय के कलम से जाना है और बाकी 280 7 × 28 ये हम लोग को रिटर्न एग्जाम से जाएगा। कितना हो गया जी, 8 × 10 = 0 = 1 = 4 × 2 = 6 = 7 सही में 700 हो गया, यानी कि ये सही है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वर्कशॉप बेस एक्टिविटीज सेकंड ईयर का जो गाइडलाइन है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। 513 ये पेपर जो है ये WBA ये 513 है, 513 नंबर है, 100 नंबर का। ठीक है, कोई भी थोड़ा हम, हाँ देखते रहिएगा सर, एक ये भी ले लीजिए, बताते रहिएगा, थोड़ा सा हिंदी में भी है थोड़ा सा इंग्लिश में भी है तो दोनों देखते हैं। 513 वर्क, हाँ बोले, हिंदी वाला समझाइए। हाँ जी जी, नहीं नहीं यस सर, उसमें केवल 6-7 ही पॉइंट मिला है। यस, वर्कशॉप बेस एक्टिविटीज में जो दिया है द्वितीय वर्ष के कार्यशाला आधारित गतिविधियों में 4 क्रेडिट यानी 12 दिवस की कार्यशाला के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की समाविष्ट करता है। क्या, पहला किन्हीं दो विषयों में संकल्पना मानचित्रण, मैं बता रहा हूँ कोई हमसे बेहतर जानता होगा कोई टॉपिक को तो वो भी बता सकता है ताकि थोड़ा हम भी थोड़ा उसको जान सकेंगे। कह रहा है दो विषयों में संकल्पना मानचित्रण, भाषा गणित पर्यावरण अध्ययन विज्ञान सामाजिक विज्ञान, 5 पैरामीटर दिए हैं, लैंग्वेज भाषा गणित पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, 5 विषयों में 2 विषय का संकल्पना मानचित्र बनाना है। मैप से हमको दिखाना है कि कौन से दो, जो दो सब्जेक्ट, कोई दो सब्जेक्ट ले सकते हैं, Subject 1 और Subject 2, मैप बना के दिखाना है। जैसे कि हम लोग के स्कूल में अभी पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि विद्यालय से एग्जैक्ट हुई, किसी को याद हो तो बताएगा, विद्यालय से घर जाते वक्त का, बच्चे का जाते वक्त का मैप बनाइए,
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते वक्त कि रास्ते में क्या क्या पड़ता है, तो विद्यालय रास्ते में हॉस्पिटल फिर पुलिस स्टेशन, रास्ता क्रॉस करते करते वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो मैप के थ्रू क्या होता है, जो ह्यूमन ब्रेन है वो फिगर चित्र के द्वारा बहुत अच्छा सीखता है। ह्यूमन ब्रेन जो है ये फिगर के द्वारा, हिंदी में चित्रों के द्वारा बहुत अच्छा ज़्यादा सीखता है, शब्दों की अपेक्षा ये चित्रों में बहुत अच्छा सीखता है। और मैप के द्वारा अगर किसी को कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो उसके दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे कि कोशिश में मैं आपको एक मैपिंग के द्वारा ब्रेन में ड्रॉ करने की, ब्रेन में चित्रों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके तहत मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट का कोई हमको दो मैप बनाना है जो WBA में हम लोग करना है। सेकंड पैरामीटर कह रहा है कला शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा पर कार्य करना, जो आर्ट एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन है और वर्किंग एजुकेशन है, इस पर हम स्कूलों में क्या काम करते हैं इसको भी समझना है और डिमॉन्स्ट्रेट करना है। मतलब बताना है कि जैसे एग्जाम्पल में जो रियलिटी है वो बता रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन करना है कैसे आपने वो किया है। विद्यालय समुदाय संबंध, जो विद्यालय में दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनका रिलेशनशिप किस तरीके से हमारे और आपके स्कूलों में है, इस जो बताने डिमॉन्स्ट्रेशन है उसके पीछे का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जब 100 स्टूडेंट्स 100 टीचर ट्रेनी एक साथ जब बताएंगे तो एक टीचर ट्रेनी जो अपने स्कूल में बनाया है, मैंने जो बनाया है वो मैं 99 और का भी जान पाऊंगा। जैसे अभी किस कोई कहीं चर्चा हो रही थी सर से, तो सर ने बताया कि लवासना में जो ट्रेनिंग होती है UPSC वाली, एक साल की प्रशिक्षण के बाद उन लोगों को एक साल के लिए फील्ड में भेजा जाता है, फील्ड के बाद फिर लवासना में बुलाया जाता है और जितने 700 IAS होते हैं सेलेक्ट हुए वो फिर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको 700 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके की प्रॉब्लम आई और वो किस तरीके से सॉल्व किए। तो वैसे तो एक को एक डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया, लेकिन जब वो दोबारा गेट टुगेदर हुआ तो वो एक जो अधिकारी होता है वो 100-200 के बारे में और भी जान पाता है कि किस किस जिले में किस किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। तो वही ये कह रहा है विद्यालय समुदाय संबंध में अपने स्कूलों में किस किस तरीके से पेरेंट्स टीचर मीटिंग एसोसिएशन हम लोग वर्क करा रहे हैं उसके बीच में डिमॉन्स्ट्रेट करना है। मेरे स्कूल में कुछ किसी और तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होंगी, सर के स्कूल में किसी और तरीके से वर्क कर रही होंगी, सर के स्कूल में किसी और तरीके से वर्क कर रही होंगी, बट होगा क्या जब हम लोग गेट टुगेदर होंगे तो हर एक टीचर 40-50 लोगों के विद्यालयों में किस किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं इसके विषय में भी वो जान पाएगा। नाउ सेमिनार प्रस्तुतिकरण, सेमिनार तीन होते हैं, कॉन्फ्रेंस सेमिनार और एक होता है कॉन्फ्रेंस, एक होता है सेमिनार और एक होता है वर्कशॉप और एक होता है सिंपोजियम, एक होता है पोस्टर प्रेजेंटेशन। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसमें किसी एक विषय पर, किसी एक टॉपिक पर उस विषय के स्पेशलिस्ट आते हैं कॉन्फ्रेंस में और अपनी बातें बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी नेशनल इशू हो, डिस्ट्रिक्ट इशू हो। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज में दिखाना होता है, करके बताना होता है कि किस तरीके से हमने अपने समय में किया है। और सेमिनार में टॉपिक का प्रेजेंटेशन किया जाता है जिसमें कि PPT की मदद ली जा सकती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद ली जा सकती है। उस टॉपिक का एक विशेष, अगर 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक अगर हम तैयारी करें किसी एक विषय टॉपिक पर, तो क्या होगा हम जाकर उस टॉपिक पर सेमिनार के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक पर स्पेशलिस्ट आते हैं, अपनी बातें कहते हैं। तो सेमिनार का प्रस्तुतिकरण भी कभी कभी विद्यालयों में जरूरी हो जाता है। विद्यालय में अगर बैड हैबिट बच्चों में ज़्यादा जन्म ले रही है तो गुड हैबिट को लेकर अगर एक सेमिनार प्रेजेंट किया जाए तो ये दिखाया जा सकता है कि डिफरेंट स्कूलों में जो अच्छी आदतें जो बच्चों में विकसित हो रही हैं वो किस तरीके से उसके जीवन में लाभदायक बन रही हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी, जो इवेल्युएशन प्रोसेस है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, ये भी हमको WBA वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ में देखना है। एक छोटा सा और है, ये है हम हिंदी में बता रहे हैं, 12 दिन का जो टाइम गाइडलाइन मिला जो बना हुआ है वो क्या है। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज में पहला दिन क्या है, रजिस्ट्रेशन इनॉग्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन सबको कराना है कि कैसे क्या एंट्री एक तरह से, वेरिफिकेशन ऑफ द लेसन प्लान इन लैंग्वेज डिलीवर्ड ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग। प्रैक्टिस टीचिंग में जो लेसन प्लान डिलीवर होगा, जो बताएंगे उसको क्या करना है, प्रैक्टिस टीचिंग में जो बनाएंगे हम जो बताएंगे उसका वेरिफिकेशन वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज में होगा। तो प्रैक्टिस टीचिंग में जो 200 नंबर का जो भी पार्ट प्रैक्टिस टीचिंग का है, इसके लिए कोई क्लासेस का तो गाइडलाइन अभी नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने तरीके से पूरी तरह से उसको करना है और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन WBA वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ में होगा। बस थैंक यू। अब इसके बाद मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, अगर किसी को कुछ जानकारी डिलीवरिंग वाला फिर से पढ़िएगा।
लैंग्वेज डिलीवरिंग ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग में भाषा की जो डिलीवर करना है इसको एक्सप्लेन करेंगे लेसन प्लान के थ्रू। एक और है एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट ऑन स्कूल लाइब्रेरी एक्टिविटीज, स्कूल की हर स्कूल में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या एक्टिविटीज हो रही है उसका ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करना है और उसका मूल्यांकन जो करेंगे वो यहाँ दिया है BRC CRC और डायट। इसमें से कोई एक हमारे इस और आपके स्कूलों में क्या लाइब्रेरी में चल रहा है इसको हम बताएंगे तो इसका मूल्यांकन चलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है उसको भी बताना है हम लोगों को इसमें डब्ल्यू वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज में, और बाकी जो है सारी चीज़ें लगभग सभी लोग जानते हैं। तो किताब आ गया है और अरे सर जी हम किताब अभी नहीं लिखे हैं, किताब तो लगभग सब तक पहुंच ही जाएगी। पहले के पेज पे सब दे दिया होगा, जरा बता दीजिए। बस आपको भी बता दीजिए। किताब आ गया, वही मैं देख रहा हूं। निकाल के दीजिए। एक मिनट निकाल लीजिए। इतना करना है? बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सब कुछ इसमें लिखा है परंतु औपचारिकता वश चूंकि बताने को कहा गया तो मैं बता देता हूं। अभी तक हम जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन था वो देख रहे थे, फर्स्ट ईयर में 100-100 नंबर का, सेकंड ईयर में 100 नंबर और 200 नंबर का। अब देखते हैं WBA का जो 100 नंबर है ये वो है क्या कुछ सबके, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है बट इसको ठीक है। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज का जो मार्किंग है वो पहला है 16 नंबर का। 16 नंबर में क्या है